सकते हैं हम लोग आज, माने क्लास 9th और 10th दोनों के लिए रहेगा ये, क्लास 9th प्लस 10th इंग्लिश सेकेंड और लेसन नंबर 1 का आज हम लोग दूसरा दिन पढ़ रहे हैं, पार्ट 2। आज हम लोग को क्या पढ़ना है भाई? आज हम लोग को पढ़ना है सब्जेक्ट के भाग के बारे में आपको पढ़ना है और छांटना भी। कोई कह रहे हैं कि ही इज ए गुड बॉय, तो ही आपका सब्जेक्ट हो जाता है, आई इज ए गुड बॉय क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। कोई कह दिया राम इज ए गुड मैन, तो राम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, गुड मैन क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सीता गोज टू मार्केट, तो सीता आपका क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, और गोज टू मार्केट आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब मोहन रीड ए बुक, तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और रीड ए बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कल आप छाटे थे इसको, हम आपको पहले बता देते हैं कि अगर ऐसा लगता है कि आप सब्जेक्ट छाँट रहे हैं, सब्जेक्ट में दो शब्द हैं तो एक का क्वालिफायर लिखा जाता है, दूसरा को मेन वर्ड लिखा जाता है। याद करो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में दो शब्द होंगे तो पहला को क्या लिखा जाएगा, क्वालिफायर, और दूसरा का लिखा जाएगा मेन वर्ड। पहला क्वालिफायर, दूसरा का मेन वर्ड। कब कब? जब सब्जेक्ट में दो शब्द होंगे। तब अगर सब्जेक्ट में तीन या चार शब्द आ जाते हैं तो पहला को डिटरमाइनर, दूसरा को एडजेक्टिव, तीसरा को मेन वर्ड, चौथा को एडजेक्टिव फ्रेज। जब चार शब्द होंगे तो, तीन शब्द होंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट डिटरमाइनर का लिखा जाता है। तो तने लिखो पहला, हेडिंग बना लेना आज का, बहुत अच्छा चीज़ है, सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट के भाग। बढ़िया से तैयारी तैयारी बहुत अच्छा लिखेंगे। जब सब्जेक्ट में दो शब्द आए हों, जब सब्जेक्ट में दो शब्द आया हो, दो शब्द आया हो तो पहला और दूसरा, पहला जो होता है उसको क्वालिफायर कहते हैं, क्वालिफायर, और दूसरा जो कहते हैं मेन वर्ड, मेन वर्ड। मेन में यम ए आई एन, मेन मन होता है मुख्य, और वर्ड मैंने क्या होता है, शब्द। देखो कहीं भी आपके दो शब्द दिखाई देते तो पहला क्या लिख सकते हैं, क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड। पहले एग्जांपल खुद, अच्छा चलो पहले दोनों नियम एक पास लिख लेते हैं और दूसरा लिखना, तब हम लोग समझेंगे कि जब सब्जेक्ट में चार शब्द आए हों, जब सब्जेक्ट में चार शब्द आए हों, कितने शब्द, चार शब्द आए हों, आए हों तो देखो, 1 2 थ्री फोर, 1 2 3 4। तो पहला जो होता है उसको डिटरमाइनर कहते हैं, डिटरमाइनर। दूसरा जो होता है उसको मेन वर्ड कहते हैं, तीसरा आपका, दूसरा आपका एडजेक्टिव होता है, तीसरा आपका मेन वर्ड, चौथा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। चलो जब चार शब्द रहेंगे तो पहला हम लोग एकदम आराम से लिखते हैं डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा मेन वर्ड, चौथा एडजेक्टिव फ्रेज। जब दो शब्द रहेंगे तो पहला क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ड, लिख करके हम लोग बता सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ शब्द आते हैं जिसके हम पहचान करके जिसके बारे में हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो
कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। कह दिया कि माय फादर इज ए गुड मैन, माय फादर इज ए गुड मैन। देखो और लिख देता है, माय सिस्टर इज ए गुड गर्ल, और लिख लेते हैं, लिख सकते हैं कि माय यंगर ब्रदर लिव्स इन इंडिया, और एक और लिख सकते हैं माय स्मॉल अंकल इज ए गुड मैन। ये कुछ वाक्य हैं और इस वाक्य को देख करके हमें बताना है कौन सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट में दो शब्द हैं तो उसको हम लोग काका लिख सकते हैं, पहले समझ लो तब लिखना। सुनो, हमारे पास क्या है, पहला में माई फादर इज ए गुड मैन, इज कहीं दिखाई दे दे, वाच कहीं दिखाई दे दिया, वेयर कहीं दिखाई दे दिया, मैंने कहीं भी सहायक क्रिया आपको दिखाई दे दे, तो ठीक है उसके पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इज आपका है ना जी, तो इज के पहले जो माई फादर है वो क्या है, सब्जेक्ट। अब बताओ सब्जेक्ट में कितने शब्द हैं, देखो दो शब्द हैं, इज के पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में कितने शब्द हैं, दो शब्द, तो जो माई होगा वो क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, और जो फादर होगा क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। ये क्वालिफायर है और ये क्या है, मेन वर्ड। क्यों है, क्योंकि आपने नियम में लिखा है कि जब सब्जेक्ट में दो शब्द रहते हैं तो एक क्वालिफायर लिखा जाता है और एक क्या होता है, मेन वर्ड। तो आपके पास माई जो होगा क्वालिफायर होगा और फादर क्या हो जाएगा, मेन वर्ड होगा। माई सिस्टर यहाँ भी दो शब्द है तो माई आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर, और सिस्टर आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से माई यंगर ब्रदर लिव, देखो लिव के पहले जो होगा ये सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट में कितने शब्द हैं, तीन, तो जब तीन होता है तो पहला क्या लिखना, डिटरमाइनर लिखा गया यहाँ पर, देखो दूसरा क्या लिखना, एडजेक्टिव, तीसरा क्या लिखना, अब चौथा तो है नहीं तो छोड़ देना है। फिर कहा कि माई स्मॉल अंकल इज, इज के पहले जितना होगा सब आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, तो माइक में क्या लिख दोगे, डिटरमाइनर, और यहाँ पर स्मॉल में क्या लिख देंगे, एडजेक्टिव, और अंकल में आपका मेन वर्ड, तो लिखा जाएगा। चलो तो लिख लो, तो पहला में अगर लिखना चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट लिख लेना, और सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, इज का पहले जो होगा माई फादर। अब बताओ आप डिटरमाइनर लिखेंगे ना, तो शब्द है माई फादर, तो माई को तो डिटरमाइनर में लिखा जाता है, तो आप डिटरमाइनर में क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे। फादर है तो फादर तो मेन वर्ड में चला जाएगा, तो आप यहाँ पर मेन वर्ड में फादर लिख देंगे, हो गया। देख लो, छांट लोगे, बताओ कोई दिक्कत है, समझ ए बाबू, समझ रहा है। इसलिए समझ लो, माई सिस्टर इज ए गुड, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, माई सिस्टर का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में दो सब पहले आपके, अच्छा क्वालिफायर लिख लो, चलो डिटरमाइनर मत लिखो, डिटरमाइनर भी लिख दो तो कोई गलत नहीं, आ जाओ क्वालिफायर, क्वालिफायर में क्या लिख लेना है, माई, और मेन वर्ड में सिस्टर लिख लेना है, ये तो बहुत आसान है। फिर यहाँ पर लिखा गया था माई यंगर ब्रदर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टोटल सब्जेक्ट, इसमें तो तीन शब्द है, तो पहला डिटरमाइनर लिखो, डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर में क्या लिख देना, माई, पहला ये है, दूसरा आपका होगा यंगर है ना, छोटा दिखा रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या लिख देना, यंगर, और ब्रदर है तो ब्रदर को मेन वर्ड में, यहाँ पर मेन वर्ड लिख देना, और मेन वर्ड में क्या लिख लेना, ब्रदर लिख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया कि माई स्मॉल
अंकल इज ए गुड मैन। यहाँ पे देखिए इज के पहले जितने शब्द होंगे ये सब्जेक्ट, मैंने सहाय क्रिया कहीं दिखाई दे रही है, इज हाइज वगैरह, तो उसके पहले जितने होते हैं सब सब्जेक्ट होते हैं। तो बताओ डिटरमाइनर में क्या लिखेंगे, तीन शब्द है ना, तो डिटरमाइनर में आप लिख देंगे सर माई पहला, दूसरा एडजेक्टिव में क्या लिखेंगे स्मॉल, एडजेक्टिव में स्मॉल और मेन वर्ड में अंकल, मेन वर्ड में अंकल। ये सीखे तुम लोग, समझ आया, ऐसे ही छाटना देख लो, दो शब्द रहेगा तो एक क्वालिफायर हो जाएगा एक मेन वर्ड, तीन शब्द रहेंगे तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव ऐसे आ, तो किसी पास के मेन वर्ड, तो बाकी हम लोग उतारते हैं। मन कभी भी आपको ये बात नहीं भूलना है कि जब भी सब्जेक्ट में दो शब्द दे दे तो जो पहला होता है उसको क्वालिफायर लिखते हैं दो शब्दों का, दूसरा मेन वर्ड, तीन चार शब्द अगर दे दे तीन शब्द दे दे तो पहला डिटरमाइनर लिखना है, दूसरा एडजेक्टिव लिखना है, तीसरा मेन वर्ड लिखना है, चार अगर दे दिया तो पहला आपका डिटरमाइनर लिखना है, दूसरा आपका एडजेक्टिव लिखना है, तीसरा आपका मेन वर्ड लिखना है और चौथा आपका एडजेक्टिव फ्रेज लिखना है। इस तरीके से हम सब्जेक्ट के भागों को बांट सकते हैं, यानी आपको हम बताना चाहते हैं कि जब चार भाग होगा तो हम उसको कैसे छाटेंगे, बात समझ रहे हो, दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो रहेगा तो एक क्वालिफायर लिख लेंगे और एक क्या लिख लेंगे मेन वर्ड, तीन रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार अगर रहेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे आता है उसको भी तनिक हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, का अर्जुन कौन नंबर तीन, माई यंगर ब्रदर लिव्स इन इंडिया, डिटरमाइनर में माई लिख लो, एडजेक्टिव में यंगर लिख लो, मेन वर्ड में ब्रदर लिख लो, ये दिया गया इसको लिख लो, दिखा गया। अब चार शब्द देगा तो कैसे हम लोग छाटेंगे, मिटाए इसको जी, सब लिख लिए, चलो अब देखो चार शब्द होगा तो कैसे आप उसको छाटेंगे देखते हैं थोड़ा सा। देखो कह दिया कि पहला में कि माई माई यंगर ब्रदर इन द क्लास इज ए गुड बॉय, पहले समझे इसको क्या कहा, माई यंगर ब्रदर इन द क्लास इज ए गुड बॉय, माने मेरा छोटा भाई जो क्लास में है अच्छा लड़का है, तब बताओ मुझे यहाँ इज है, और आप जानते होंगे कि जब भी सहायक क्रिया हो इज हो वाज हो वियर हो उसके पीछे वाले माने उसके पहले वाले जितने शब्द होंगे सब सब्जेक्ट में चले जाएंगे, इज है और इज के पहले वाले जितने शब्द देख रहे हैं माई देख रहे हैं यंगर देख रहे हैं ब्रदर देख रहे हैं इन द क्लास सब सब्जेक्ट में चले जाएंगे। अब बारी बारी से लिखना है, माई किस में लिखाएगा बाबू डिटरमाइनर में, यंगर किस में लिखेंगे एडजेक्टिव में, ब्रदर किसे लिखेंगे मेन वर्ड में, और इन द क्लास आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ बात समझे, चार शब्द आ चुका है क्योंकि इज के पहले जो इज देख रहे हैं ये सहायक क्रिया, देखो ना सहायक क्रिया कभी भी दिखाई दे दे उसके पीछे वाले जितने शब्द होते हैं सबको हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, और इसमें चार शब्द है तो चार के नियम ये है कि पहला जो होगा डिटरमाइनर, दूसरा जो होगा एडजेक्टिव, तीसरा जो होगा मेन वर्ड, इन द क्लास आपका होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज लिखता है, ये पहचान आपकी है। अच्छा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो इसको, चलो डिटरमाइनर में क्या लिखोगे, देखो यहाँ से लेकर के जो मैं ब्लैक नीला कलम्स लगा रहा हूँ ये टोटली सब्जेक्ट है, समझ रहे बात को, तो पहले तो डिटरमाइनर लिखो, क्या लिखोगे डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर में माई लिखो, माई लिख देगा, और उसके बाद सेकेंड वाला में एडजेक्टिव लिखो, एडजेक्टिव एडजेक्टिव में यंगर लिख लो, और तीसरा में आप लिख लेंगे मेन वर्ड, और मेन वर्ड में आप ब्रदर लिख लीजिए, और चौथा में आप लिख लेंगे एडजेक्टिव फ्रेज,
एडजेक्टिव फ्रेज, और आप एडजेक्टिव फ्रेज में कहाँ लिखेंगे, कहीं इन द क्लास लिखेंगे। तो इस तरीके से या कि चार शब्द भी रहेगा तब भी हम लोग कहाँ करते कर सकते हैं, छाड़ सकते हैं, सब्जेक्ट को छाड़ सकते हैं और प्रेडिकेट को भी छाड़ सकते हैं, फिर सब्जेक्ट के भाग को भी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे दे वो बढ़िया तरीके से आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट को क्या कर सकते हैं, छाड़ सकते हैं। नोट कर लो निम्नलिखित वाक्यों में से सब्जेक्ट को छाटिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसको छाटना है, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के भाग का नाम लिखिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। नंबर वन है कि ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, आपको याद है सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ए बॉय है, दो बात तो पहला क्वालिफायर दूसरा का मेन वर्ड, डैट मैन लाफ, वो आदमी हंसा, ये घर से बना कर रहा है, हाँ बालक, फ्यू गर्ल्स डांस, कुछ लड़की हंसती है नाचती है, फ्यू गर्ल्स डांस्ड, नाची। चार नंबर आपका है मैनी बॉयज प्लेट, मैनी बॉयज प्लेट, बहुत अच्छे लड़के खेलते हैं। ए ब्लाइंड मैन वॉक, ए ब्लाइंड मैन वॉक, एक अंधा व्यक्ति टहलता है। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, इज वाइज, बुढ़िया औरत जो इस कमरा में बैठी है बड़ा बुद्धिमान है। इज एल्डर ब्रदर इन कोलकाता इज ए प्रोफेसर, इज एल्डर ब्रदर इन द कोलकाता, इन द कोलकाता इज ए प्रोफेसर, उसका बड़ा भाई जो कलकत्ता में क्या है प्रोफेसर है। एट नंबर आ जाओ, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग द ट्री फ्लू अवे, ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज अवे, उड़ गई उड़ गई। नाइन नंबर लिख लेना, My elder brother in Mumbai in a actor. My elder brother in the Mumbai is a actor. Actor. मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई मुंबई में रहता है, वह एक एक्टर है। The old lady cried. बूढ़ी औरत चिल्लाई। The old man होता है बूढ़ी, और मैन माना होता है औरत, और क्राइड माना होता है चिल्लाई। तो शायद आप सभी लोग बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल सिंपल सब वाक्य हैं।